अस्सलाम वालेकुम जी। आज का बेटे हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेंट्रीपेटल फोर्स, आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि जब हम किसी जिस्म को रस्सी के साथ बांध के घुमाते हैं तो उसको घुमाने में एक फोर्स थी जो अपना किरदार अदा कर रही थी, उस फोर्स का नाम था सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फ़र्ज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने क्या किया है जी, रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ बांध के, रस्सी के साथ बांधा है और उसे क्या, कौन सी मोशन दे दी है, उसे सर्कुलर मोशन दे दी है, सर्कुलर मोशन के अंदर वो घूम रहा है। अब एक ऐसी फोर्स है जो इसे सर्कुलर मोशन करने पे मजबूर कर रही है और वो कंटिन्यूसली इसे किस तरफ खींच रही है, टुवर्ड्स द सेंटर, मरकज की तरफ, जैसे चांद किसके गिर्द घूम रहा है, ज़मीन के गिर्द, और ज़मीन ने उसे कौन सी फोर्स दी हुई है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और उसकी वजह से ना कोई रस्सी, ना कोई लंगर, ना कोई समझ लीजिए कोई चेन डाली है, ऑटोमेटिकली चांद मुसलसल जब से अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। इसी तरह से ज़मीन क्या कर रही है, कंटिन्यूसली सूरज के गिर्द घूम रही है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। अच्छा, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स है जो चीज़ों को क्या करती है, दायरे में घुमाती है, सर्कुलर मोशन देती है, तो न्यूटन ने कहा था हर एक्शन के खिलाफ रिएक्शन भी होगा। अगर एक्शन की फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स है तो एक ऐसी फोर्स भी तो होगी जो उसे सर्कल से क्या चाहेगी, सर्कल छोड़ के किधर जाओ, बाहर की तरफ जाओ। जैसे चांद को कोई ऐसी फोर्स तो होगी जो क्या चाहती होगी कि चांद जो ज़मीन के गिर मुसलसल गर्दिश कर रहा है ये मदार छोड़े और क्या करे, बाहर निकल जाए। इस तरह से ज़मीन के ज़मीन को भी एक ऐसी फोर्स लग रही होगी जो क्या चाहती होगी कि ये ज़मीन क्या करे, सूरज का मदार छोड़ के क्या करे। जैसे शैतान क्या करता है काम, अल्लाह चाहता है कि अल्लाह ताला के गिर्द जो हमारा मदार है, हम अल्लाह ताला की इबादतें करते हैं, ये सारी इबादात करते हैं, वो कहता है अल्लाह ताला के मदार छोड़ के क्या करे इंसान, गफलत में पड़ जाए, निकल जाए। ऐसी ही एक फोर्स है जो जिस्मों को, जो बॉडीज को क्या मजबूर करती है कि वो कौन सी, सर्कुलर मोशन छोड़ दे। जैसे रस्सी टूट जाए तो क्या जिस्म सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर पाएगा, नहीं, सर्कुलर मोशन छोड़ेगा, बाहर निकल जाए। इसी तरह से बेटे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज, क्या थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन के खिलाफ रिएक्शन है, जो कीमत में मसावी लेकिन सिमत में मुखालिफ। इसका मतलब एक एक्शन की फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स है तो इसके मुखालिफ भी एक फोर्स होगी जो इसे सर्कल से बाहर निकालेगी। उस फोर्स को हम आम जुबान में जो नाम देते हैं उसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो रिएक्शन का काम करती है, एक्शन क्या है सेंट्रीपेटल और रिएक्शन क्या है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपेटल फोर्स जो जिस्मों को क्या करे, सर्कल में घुमाए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हर वक्त चाहे कि ये कभी ना कभी क्या करे, सर्कल से निकल जाए, सर्कल से निकल जाए, मदार से निकल जाए। उस फोर्स का नाम, वो एक रिएक्शन का काम कर रही है और वो रिएक्शन फोर्स कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आइए अब बेटे सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमालात क्या हैं, अब उन्हें हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स हमारे काम में आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में आती है, हम उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ना जानते हुए भी हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रही है, और ये रोज़ हम फिनोमेना देख रहे हैं, ये हो रहे हैं, वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। आइए जी बढ़ते हैं उसकी तरफ। सबसे पहला अमल बैंकिंग ऑफ द रोड्स क्या है, बेटे बैंकिंग ऑफ द रोड्स का मतलब ये है, कभी गौर किया जी, हमने एक शार्प टर्न लेना हो, मोड़ हो, किनारा हो या फ्लाईओवर हो, यू टर्न फ्लाईओवर से लेना हो, बड़ा तेज टर्न लेना हो, तो वहां पे कभी देखा है कि उस रोड का बाहरी किनारा क्या रखा जाता है, उस सड़क का बाहरी किनारा, टर्न लेना है तो बाहरी किनारा क्या रखा जाएगा, ऊंचा रखा जाएगा। इसकी मिसाल फार्मूला 1 रेसिंग,
इंटरनेशनल लेवल पे वो फार्मूला वन गाड़ी उसकी रेसिंग्स होती हैं, इसके जहाँ बाइक्स उनकी रेसिंग बाइक्स होती हैं, उनके ट्रैक देखे, जहाँ से तेज़ी से टर्न लेना है वहाँ से आप रोड देखोगे, सीधा नहीं होगा, कैसा होगा रोड का ये अंदरूनी साइड, ये बैरूनी साइड, बैरूनी साइड कैसी होगी, ऊपर वाली, ऊपर की तरफ, ऊपर। इस अमल को क्या कहा जाता है, बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंक कहते हैं किनारा, बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड के रोड के किनारे को क्या कर दो, बाहरी किनारे को क्या रखो, ऊंचा रखो। और उसका फायदा क्या है कि हम अगर उस किनारे से मुड़ेंगे, टर्न लेंगे, तो हमारे गिरने के चांसेस क्या हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे बैंकिंग ऑफ द रोड से एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, खुदा ना खास्ता किसी बड़े एक्सीडेंट से या नुकसान से या किसी और अमल से बचा जा सकता है, उलटने से, गाड़ी के उलटने से बचा जा सकता है। इसीलिए शार्प एजिस पे, ऐसे टर्न्स पे, ऐसे रोड्स पे जो बाहरी किनारे, उन्हें क्या कर दिया जाता है, जहाँ बड़ी ओवर स्पीडिंग से मुड़ना है वहाँ क्या किया जाता है, बाहरी किनारा, पुल का हो, फ्लाईओवर का हो, रोड का हो, उसका बाहरी किनारा क्या रखा जाता है, ऊँचा रखा। आइए डायग्राम से देखते हैं, फर्ज कीजिए जी ये शार्प टर्न है, बड़ी तेजी से यहां से टर्न लेना है गाड़ी ने। ये देखिए ये अंदरूनी किनारा रोड का, ये रोड आ रही है बेटे, रोड है इसका अंदरूनी किनारा, और ये क्या है जी, देखिए हमने उसको बजरी से या किसी चीज से उस किनारे को क्या रखा है, इसकी निस्बत ऊंचा रखा। एक गाड़ी आ रही है बड़ी ओवर स्पीडिंग से, बड़ी ओवर स्पीडिंग करती हुई गाड़ी से आ रही है, ये उसकी विंड स्क्रीन है, इस तरह से आपके सामने है। अच्छा जी, अब जरा गौर कीजिएगा, ये गाड़ी पीछे पूरी गाड़ी है, हमें सिर्फ फ्रंट नजर आ रहा, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, ये है बेटे रोड का सेंटर, मतलब ये इस तरह से है पूरा, अगर रोड ड्रा करूं ना तो इस तरह से होगा, ये ऐसे बढ़ता हुआ इस तरह से, और ये ऐसे बढ़ता हुआ, समझ आ रही बात की, ये रोड का कुछ मरकज की तरह है जिसके गेंद इसने चक्कर लेना, दायरा, दायरे का थोड़ा सा हिस्सा हमने देखा, रोड का थोड़ा सा हिस्सा देखा, पूरा रोड इस तरह से था, सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं ना इस तरह से। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर तो ये बैंकिंग ना की जाती, अगर तो रोड का बाहरी किनारा ना ऊंचा रखा जाता, तो स्लिपरी रोड होने की वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाती है, अगर रोड स्लिपरी हो, बारिश हुई भी हो, रोड भी रफ हो, तो क्या नतीजा निकलता है, टायर भी घिसे पिटे हो तो फ्रिक्शन थोड़ी हो जाती है, रोड की नहीं, जो फ्रिक्शन है टायरों के घिसे होने की वजह से, बारिश होने की वजह से फ्रिक्शन थोड़ी हो जाती है, और गाड़ियों के स्टेबल होने के चांसेस, रुकने के चांसेस, ब्रेक लगने पर रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं, स्लिप करने के चांसेस ज्यादा हैं, उलटने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है कि वो जगह जहां पे शार्प टर्न लेना है, जहां पे उलटने के चांसेस ज्यादा हैं, जहां पे अंदेशा है कि कोई हादसा हो सकता है, वहां पे क्या किया जाता है, रोड के बाहरी किनारे को ऊंचा रखा जाता है, इस अमल को बैंकिंग। अब इसका फायदा क्या है, ये देखिए इसके सेंटर से लेके, ये इसका फर्ज कीजिए सेंटर है, ये रेडियस है, ये फासला सर्कल ही कहलाता है ना, और सर्कल का सेंटर से फासला क्या कहलाया करता है, रेडियस, ये हम जानते हैं, ऐसे ही है ना बेटे। अब मुझे बताएं इस गाड़ी का वजन किस तरफ है, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वजन तो हमेशा किस तरफ होता है, डाउनवर्ड, क्या सीधा होगा या थोड़ा सा इस तरफ होगा, क्योंकि गाड़ी तिरछी नजर आ रही है, टेरी नजर आ रही है, तो वेट भी थोड़ा सा टेरा सही होगा नीचे की तरफ। अच्छा, रिएक्शन की फोर्स किस तरफ होगी, हम जानते हैं कि वेट की फोर्स नीचे है तो रिएक्शन की फोर्स किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, वेट इज डाउनवर्ड, वेट इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नहीं पढ़ते हम ऐसा, ठीक है जी, वजन किस तरफ, नीचे की तरफ, रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ। अब मुझे बताएं इस गाड़ी को कौन सी फोर्स है जो दायरे में घुमाएगी,
कौन सी ऐसी कुव्वत है जो दायरे में घुमाएगी और गिरने नहीं देगी? मुसाफिर भी अंदर सेफ रहेंगे, ड्राइवर भी सेफ रहेगा, गाड़ी के उलटने के चांसेस क्या होंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स ना, तो बताइए वो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कहां से? वो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कहां से? कोई रस्सी बांधी है सेंटर के साथ, कोई चीज बांधी है सेंटर के साथ? कुछ भी नहीं बांधा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? बेटे इस गाड़ी का अपना वजन ही से क्या मुहैया करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का रुख हमेशा किस तरफ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा जरा देखिए कैसे, वजन तो नीचे है, वेट इज अ फोर्स, तो वजन कैसे इसे दायरे की तरफ खींच रहा है? वजन कैसे इसे सेंट्रीपिटल फोर्स देख रहा है? तो जरा देखिएगा, अगर मैं बेटे वजन के क्या बनाऊं? कंपोनेंट्स बनाऊं। वजन के क्या बनाए जाए? कंपोनेंट। चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट कहते हैं अज्जा को, जैसे हमारे ये बाजू, टांगे, ये आंखें, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं, इनसे मिलके हम बने हैं। तो वजन एक फोर्स है, फोर्स के भी क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो वजन असल में कौन सा था? ये वाला, ये भी इसका कंपोनेंट और ये भी इसका कंपोनेंट। एक ये असल फोर्स, ये असल वजन, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। मुझे बताएं कौन सा यहां कंपोनेंट अमल करेगा इस गाड़ी को टर्न लेने में? क्या वजन खुद अमल करेगा? क्या ये कंपोनेंट अमल करेगा? क्या ये कंपोनेंट अमल करेगा? कौन है जो इसे दायरे में घुमाएगा? कौन है इसे जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? अगर तो वजन खुद अमल करे तो इसे किधर जाना चाहिए? अगर तो ये फोर्स अमल करे तो इसे किस तरफ जाना चाहिए? इस तरह नीचे की तरफ। इसका मतलब गाड़ी जा किस तरफ रही है? ऐसे। तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट है जो इसे घुमा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वाला। ये कंपोनेंट इसे क्या करेगा? हमेशा किस तरफ खींच के रखेगा? किस तरफ बांध के रखेगा? सेंटर के साथ बांध के। जैसा कि हमारी उंगली ने किसको बांध के रखा हुआ था? रस्सी को बांध के। रस्सी के साथ क्या बंधा हुआ था? पत्थर बंधा हुआ था। हमारा हाथ उसे क्या मुहैया कर रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर रस्सी यहां से खुल जाती तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती? यहां तो रस्सी कोई नहीं है, यहां वो रस्सी का काम कौन कर रहा है? यहां पे रस्सी का काम उसका वजन। वजन का भी कौन सी चीज? वजन खुद नहीं, वजन का कंपोनेंट। वजन का कंपोनेंट क्या करेगा? वजन का जुज क्या करेगा? वजन का एक हिस्सा क्या करेगा? उसे क्या करवाएगा? उसे किस चीज पे मजबूर करेगा कि वो दायरे में घूमे? और दायरे में घूमने में कौन सी फोर्स बन जाती है? उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में कौन सी फोर्स कारामद होती है? कौन सी फोर्स अपना अमल दिखाती है? उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका रुख हमेशा किस तरफ होता है? टुवर्ड्स अ सेंटर। इसीलिए गाड़ी यहां भी होगी तो उसका रुख किस तरफ होगा? इस तरफ। यहां भी होगी तो रुख किस तरफ होगा? यहां भी होगी तो रुख इस तरफ होगा। इस तरह से गाड़ी क्या करेगी? दायरे में घूमती चली जाएगी और उसमें से गाड़ी के फिसलने का, गिरने का, उलटने के चांसेस क्या हो जाएंगे? और वजह क्या बनी? जब हमने बाहरी किनारा ऊपर रखा तो वजन क्या हो गया? नीचे ही था, लेकिन थोड़ा सा उसमें बेंड आ गया। अब वजन क्या रोल अदा करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। वेट इज अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स। तो वजन किसका काम अदा करेगा? किसका रोल अडॉप्ट कर लेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। और नतीजा क्या निकलेगा? जैसे खुदा ना खास्ता यहां, खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का हमला हो तो हम भी एक फौजी का किरदार अदा करेंगे, नहीं होगा ऐसा? इसी तरह से वजन यहां किस चीज का किरदार अदा करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। और वजन खुद नहीं, वजन का भी क्या कंपोनेंट जो इसे मजबूर करेगा कि किस तरफ रहो, किससे बंधे रहो, किससे जुड़े रहो, किससे? जैसे हमारा ईमान क्या हमें कहेगा? अल्लाह से जुड़े रहे, अल्लाह से। इसी तरह से सेंटर, हमारा सेंटर क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के गिर्द में घूमना है। क्या ख्याल है? इस तरह से वजन का कंपोनेंट इसे मजबूर करेगा कि बंधे रहो, बंधे रहो, बंधे रहो, इसमें भलाई है, इसमें भलाई है। और बॉडी कंटिन्यूसली क्या करेगी? घूमती रहेगी। और गाड़ी के गिरने, मुसाफिरों को गिरने, एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये है पहला फायदा किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब आइए सेंट्रीफ्यूगल की एक एप्लीकेशन। सेंट्रीफ्यूगल का एक फायदा, वो क्या जी? वॉशिंग ड्रायर। वॉशिंग ड्रायर देखा जी, कपड़े धोने के बाद ड्रायर मशीन आजकल इस्तेमाल की जाती है। किस मकसद के लिए? कपड़ों को क्या करने के लिए? वॉशिंग मशीन ड्रायर। आजकल तो वॉशिंग मशीन के साथ भी आते हैं, इकट्ठे ही होते हैं, है कि नहीं? वॉशिंग मशीन ड्रायर। बेटे ये किस तरह से काम करता है, कभी उसे अंदर से देखा है? घर वाले, वालदा, सिस्टर्स, भाई खुद भी करते हैं हम लोग,
क्या करते हैं, कपड़े धुलाई के बाद, धोने वाला पोर्शन अलहदा है, उसमें धुलने के बाद कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में नहीं डालते आजकल, बाद में डालते हैं जब वो बिल्कुल सूख जाते हैं। क्या किया जाता है, एक मशीन के अंदर डाला जाता है। उस मशीन की कैसी शक्ल सूरत होती है, वो मशीन की तरह ही है, लेकिन उसके अंदर जो वो लगा हुआ है सिलेंडर सा, उस सिलेंडर के अंदर देखा छोटे छोटे सुराख, उस सिलेंडर के अंदर क्या है, एक वॉशिंग मशीन की तरह है, वॉशिंग मशीन ही की तरह है, लेकिन क्या है जी उसके अंदर परफोरेटेड सुराख से है। देख लीजिए यहां से डायग्राम बनाते हैं थोड़ी सी, सो छोटी सी अटेम्प्ट करते हैं डायग्राम बनाने की, मुझे इतनी अच्छी आर्ट नहीं है, तो बेटे कंप्रोमाइज़ करना है आपने, जैसी भी बन जाए ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट इसको हम से जोड़ देते हैं, और ये रही आपकी सिंपल सी एक डायग्राम जिसमें यहाँ पे ढक्कन सा है ये हिस्सा, इसके अंदर कवर है जिससे हम डालते हैं, ये पे बेटे वो हिस्सा जहाँ पे बटन वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा ये थोड़ा सा हिस्सा है, पोर्शन है, इस तरह से बटन वगैरह लगे। अच्छा जी अब आप जानते हैं इसके अंदर वो पोर्शन है जिसमें एक सिलेंडर की तरह का सिलेंडर घूमता है कि नहीं बेटे, ऐसा ना जाली नुमा एक सिलेंडर है जो इसके अंदर घूमता है, यहाँ से लिड खोलते हैं, कपड़े डालते हैं, लिड को क्या कर देते हैं ऊपर से, ढक्कन को क्या कर दिया जाता है बंद, और इसके अंदर कपड़े आ जाते हैं, और कपड़ों को जब ऐसे टर्न करेंगे जाली नुमा ये सिलेंडर क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू। अच्छा अब ये किस असूल के तहत काम करता है, जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहला करते क्या है हम, है क्या एक मशीन की तरह, इसके अंदर एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर भी क्या है जी परफोरेटेड सिलेंडर है। परफोरेटेड सिलेंडर कौन सा होता है, जिसके अंदर बेटे क्या हो, छोटे 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 क्या मौजूद हो, सुराख मौजूद हो, ऐसा सिलेंडर जिसके हमने क्या किए हैं, छोटे छोटे सुराख किए हैं, दैट इज परफोरेटेड सिलेंडर है। और सिलेंडर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिलेंडर की शक्ल इस तरह की होती है, नीचे क्या लगी हुई है, मोटर जो इसे क्या करेगी, स्पिन करवाएगी, घुमाएगी, कब घुमाएगी, जब हम इसमें कपड़े डाल देंगे, ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे, तो ये क्या करना शुरू कर देगी, घूमना, और जैसे ही ये घूमेगी, कपड़े तो गीले हैं, कपड़ों में पानी भरा हुआ है, पानी क्या होना शुरू हो जाएगा, कपड़ों से अलहदा, और किन सुराखों से, कहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, इन सुराखों से बाहर, वजह वजह क्यों अलहदा शुरू होना शुरू हो गया है, क्योंकि बेटे क्योंकि उस पानी को, अगर वो पानी कपड़ों में रहता तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती रहती, लेकिन वो कपड़ों से क्या हो गया है अलहदा, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उसे कपड़ों से क्या कर दिया है। कभी गौर करना, जब उसे स्टॉप करेंगे तो कपड़े जाली के साथ जुड़े होंगे, साइडों पर जुड़े होंगे, है कि नहीं ऐसा, वजह कि कपड़ों को किनारों तक पहुंचा दिया, लेकिन पानी को वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल सकी, तो पानी ने अपने आप को क्या कर लिया, पानी उनसे क्या होता गया, लहदा, पानी के पास कौन सी फोर्स ज्यादा, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो पानी उस सिलेंडर को छोड़ के क्या किया, बाहर, कपड़े उसके अंदर ही, कपड़े तो बाहर नहीं जा सकते थे, छोटे छोटे सुराखों से कपड़े तो जा नहीं सकते थे, क्या लहदा हो गया, फिर बड़ी फास्ट स्पिन से, जितना तेजी से स्पिन करोगे उतना खुश्क कपड़ा आपको मिलेगा, तो कौन सी फोर्स यहां कारामद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो पानी को कपड़ों से क्या कर लेगी, सेपरेट कर लेगी, अलहदा कर लेगी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है वॉशिंग मशीन ड्रायर, ठीक है जी। थर्ड और लास्ट, दैट इज क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर बेटे कैसे काम करता है, ये जो जितनी भी बेटे फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो जिनका काम दूध के साथ है, मिल्क के साथ है, बटर के साथ है ना, घी के साथ है, क्रीम के साथ है, वो क्या यूज़ करती हैं, क्रीम सेपरेटर्स। वजह, कुछ लोग फैट को पसंद नहीं करते, कुछ लोग फैट को पसंद नहीं करते, मतलब चिकनाई, भलाई, क्रीम ये पसंद, बटर पसंद नहीं करते, तो उनमें क्या किया जाता है, उस क्रीम को क्या करके दिया जाए, लैदा कर लिया जाता है। जैसे कभी गवाला आता है दूध देने, तो क्या करता है, भलाई पहले ही उतार लेता है, या हम घरों में जब दूध उबालते हैं तो ऊपर क्या आती है, भलाई आती है। इसी तरह से बेटे एक मशीन मिलती है जो क्रीम को, बटर को क्या कर लेती है, लैदा कर लेती है। उस मशीन में क्या चीज़ है, कैसे करती है, उसका उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, कि बेटे एक बाउल की शक्ल का है, एक बाउल है ठीक है, इसके नीचे एक मोटर सी लगी है जो उसे स्पिन करवाएगी, और यहाँ पे दो नालियाँ हैं ठीक है जी,
इस सेपरेटर के अंदर क्या है, यहां पे सुराख है, क्या करना है हमने, इसमें आपने दूध डाल देना। दूध डाला, जैसे ही इसे मोटर ऑन करेंगे दूध क्या करना शुरू कर देगा, स्पिन करना शुरू कर देगा। स्पिन करने पे क्या होगा, जो भी बेटे हैवियर लाइटर चीज होगी, लाइटर, लाइटर क्या है, बटर, लाइटर क्या है, क्रीम, लाइटर क्या है, फैट, जितनी भी चिकनाई है वो दूध की निस्बत क्या होती है, हल्की। वो हल्की चीजें कहाँ इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, इसके साथ साथ सेंटर पे क्या चीज इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्रीम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा बटर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बाकी क्या बचा, दूध। दूध भी कौन सा हुआ, छना हुआ, स्किम्ड मिल्क, वो दूध जिसमें से बलाई उतार ली जाए, फैट उतार लिया जाए, क्रीम उतार ली जाए, वो हल्का हो, वो क्या, सॉरी, वो क्या होगा, हैवी। और जो फैट है, क्रीम है, वो तो बड़ी हल्की सी होती है। जो बेटे हल्की चीजें होंगी वो कहाँ आके इकट्ठी हो जाएंगी, सेंटर में, और जो हैवियर चीजें होंगी वो कहाँ चिपक जाएंगी, वो कहाँ से लग जाएंगी, साइड्स में। इसका मतलब स्किम्ड मिल्क, बलाई, फैट और उसके अलावा जो दूध होगा वो साइडों पे चला जाएगा, और क्रीम, बटर, फैट वो कहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, सेंटर में, और सेंटर में सुराख है, इन पाइपों से वो क्या करेंगे, बाहर, बलाई को आसानी से, फैट को आसानी से, क्रीम को आसानी से इस मशीन से क्या कर लिया जाएगा। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। सेंट्रीपिटल फोर्स ने जो लाइटर थे उन्हें कहाँ इकट्ठा कर दिया, सेंटर पे, और सेंट्रीफ्यूगल ने जो हैवियर थे उन्हें कहाँ कर दिया, साइड पे। साइड पे दूध चला गया, स्किम्ड मिल्क, छना हुआ, जिसमें क्रीम नहीं है, बटर नहीं है, वो कॉर्नर पे लग गया, और जो बलाई थी, बटर था, क्रीम था, जो हल्का हिस्सा था, हल्की चीज़ें थी, वो कहाँ इकट्ठी होगी, सेंटर में, और सेंटर पे सुराख है, और पाइपों के जरिए वो क्या आ जाएगा, गिलास में, किसी में चीज़ में अलहदा कर लो। और छना हुआ जो बच्चे कहते हैं हमने दूध इस तरह से नहीं पीना, बलाई है, फैट है, लोग कॉन्शियस है ना आजकल अपनी सेहत के वाले से, अपनी फिटनेस के वाले से, तो इस तरह से क्या कर लिया जाता है, क्रीम सेपरेटर को यूज़ करते हैं, दूध डालेंगे, दूध में मोटर चलेगी, स्किम्ड मिल्क, छना हुआ दूध साइड पे, क्योंकि वो हैवियर है, और जो लाइटर है, हल्की चीज़ें हैं, वो फैट है, वो क्या है, क्रीम है, वो बटर है, वो कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, सेंटर पे। और यहाँ पे क्या चीज़ है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी। नतीजा क्या निकला, हमें फ़ायदा पहुँचा। ये था बेटे आज का लेक्चर, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ी और तीन एप्लीकेशंस पढ़ी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। हमारी मजीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।